अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, वीकेंड एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे, यानी कि कल छुट्टी है और बहुत सारे लोगों की आज छुट्टी भी है। जैसे मेरे घर में सब लोग जब सुबह सुबह मैं आ रही होती हूँ तो सो रहे होते हैं और मुझे अफसोस हो रहा था कि इनका सैटरडे क्यों ऑफ है और मेरा सैटरडे ऑफ क्यों नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, इवन बहुत सारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं। कुछ का जो वीकेंड होता है, छोटे बच्चे हैं उनको सैटरडे भी ऑफ होता है और कुछ को नहीं होता, तो मिला जुला मामला चलता रहता है। जनाब आज की रिसर्च हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग है और मैं ये पढ़कर बड़ी हैरान हुई। और अमूमन जब आपने किसी की सेहत बनवानी हो, किसी को ज़रा तगड़ा बंदा बनाना हो, तो आप उसको कह देते हैं सर इसको देसी घी खिलाया करो। लेकिन देसी घी जनाब इसके फ़ायदे बेतहाशा है। और ये जो आपका मिसकनसेप्शन है ना कि आप देसी घी खाने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जनाब बैली फैट की बात करते हैं और उसके अलावा हम कहते हैं कि जनाब घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, देसी घी इस्तेमाल किया जाए तो आपका फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अच्छा इसकी सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि जो देसी घी है वो बेसिकली दूध से बनता है। उसमें वो तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि फैट्स होते हैं, विटामिन है, ओमेगा 3 है, इसमें शामिल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा मुफीद भी हैं। अनमोल फायदे हैं कुछ ऐसे जिसको पढ़ के मुझे भी हैरानी हुई, तो मैंने डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर किया जाए। बैली फैट कहा जाता है कि जनाब ये तो खाने पीने से और ऑयल का इस्तेमाल इन चीज़ों से होता है, लेकिन मौजूदा दौर में ख़वातीन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा कोशिश करती हैं कि जब भी कोई बैली फैट या इस तरह का मामला आए तो वो फ़ौरन देसी घी खाना है, वैसे घी खाना छोड़ दें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर देसी घी जो आपके वज़न बढ़ाने के बजाय पेट की जो चर्बी है यानी कि बैली फैट है उसको कम करने में मदद देता है। और इसमें मौजूद जो ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 फैटी एसिड जिस्म की चर्बी यानी कि फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिहाजा वो ख़वातीन और हजरात जो अपना बैली फैट का कम करने के लिए और उनकी कोशिश इसको बिल्कुल फैट किया जाए, तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि देसी घी और ज़ाहिर है हर चीज़ में इत्तेदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अमूमन कोशिश करते हैं कि इत्तेदाल के साथ ही हर चीज़ जो है वो सर अंजाम दी जाए, तभी उसका फ़ायदा भी होता है, वरना एट द एंड नुकसान भी सामने आ सकता है। डार्क सर्कल्स एक मेजर इशू है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, डिप्रेशन है, कुछ लोगों का जेनेटिक भी प्रॉब्लम होता है, तो लिहाजा डार्क सर्कल्स बड़े इरिटेटिंग से भी लगते हैं और आपको बुरा भी लगता है, खुद भी अपनी शक्ल अजीब सी लग रही होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देसी घी लेकर उसको से आपने डार्क सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा मसाज करेंगे और कुछ दिन इस पर आप अमल करें इस प्रोसीजर में, तो आपका ये चीज़ जो डार्क सर्कल है इसके शिद्दत जो है या इसकी कह लें वो आसार जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा देसी घी का इस्तेमाल इस लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। बाल ख़राब है ये तो मेरी नानी भी आराम से कह देती थी, बड़ी अम्मी ने हमेशा ये कहा कि देसी घी लगाओ उसमें बादाम जलाकर तो आपके बाल हमेशा अच्छे और फिट हो जाते हैं, और उनके अपने बाल बहुत अच्छे थे। तो मेरे ख्याल से आज ये टोटका जो है ये जो मैं बता रही हूँ ये हर घर का एक टोटका है जो बढ़िया नानियाँ दादियाँ बताती रहती हैं कि जनाब देसी घी में जो चीज़ें होती हैं वो आपके बालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो लिहाजा कुदरती कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देसी घी के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाएं और उसके बाद उसमें लेमन थोड़ा सा ऐड करके उसके अपने बालों पर लगाएं तो आपके बाल हेल्दी भी हो जाएंगे और जो होते हैं ना रूखे और थोड़े ड्राई से होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। देखिए अरमला हसन के टोटके कितने अच्छे आ रहे हैं। अच्छा जनाब सूखे हुए होंड यानी कि आपकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वो सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है, लिप्स वाला एरिया भी है इस पर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो आप इसको रब करें थोड़ा सा गर्म करके तो आपकी जो ड्राइनेस है ये भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जनाब अगला क्या है, चेहरे को उसके ऊपर भी करने के लिए जनाब ये सिर्फ ना छाइयों आपके जो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना डेफिनेटली आप मसाज करते हैं तो ये उसके लिए भी, वैसे तो कोकोनट ऑयल भी कहा जाता है कि आपके स्किन पर जो रिंकल्स पड़े होते हैं उसको मसाज करें तो वो बेहतर हो जाता है, लेकिन देसी घी ऑब्वियसली एक कुदरती चीज़ है तो इसका इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके साथ साथ जनाब आपका इम्यून सिस्टम मुदाफती निज़ाम बेहतर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो उसको बॉडी के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स में जो बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है और जिससे आपका इम्यून सिस्टम यानी कि मुदाफती निज़ाम वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो लिहाजा आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है ना सिर्फ खाने में बल्कि इंटरनल उसके फ़ायदे तो हैं, एक्सटर्नल यूज़ के भी बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो जनाब ये तो थी आज की रिसर्च जो हमने आपको बता दी है देसी घी के हवाले से। बहुत सारे लोग सुनकर खुश भी हो रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है देसी घी मोटा ही करता है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अच्छा जनाब हम घरों में अमूमन देखते हैं जब मासी भी कपड़े धोकर चली जाती है या हम खुद भी कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला हर घर का ये होता है कि उसको इकट्ठा करके उसको तय लगाना है, और उसके लिए अम्मी कभी बहन को आवाज़ देती है, कभी भाभी को आवाज़ देती है, तो ये जो मामला चलता रहता है तो इसके लिए एक आसान तरीका, वो ख़वातीन जो परेशान हो जाती हैं कि कपड़ों को तय किस तरह से लगाए, जैसे अब एक ऐसी मशीन आ चुकी है
जिसमें आप कपड़े रखेंगे और उसके बाद वो तह लगाकर कपड़े आपके पास बाहर वापस आ जाएंगे। और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जरा ये ईजाद हो चुकी है और फोल्डीमेट नामी ये मशीन जो है ख्वातीन का वक्त बचाने में बड़ी मोमन साबित होगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरह से कपड़े अंदर रखे जा रहे हैं उसके बाद वो तय लग कर आ रहे हैं। वैसे जितनी देर में उसको सेट करने में लगना बंदा तय ही कर ले। अब देखें ना ज़रा, मतलब आसानी हम हर चीज़ में ढूंढते हैं और ये आसानी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। और माइक्रोवेव ओवन की तरह कुछ ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप कपड़े रख रहे हैं और वो तय होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो ज़रा एक सलीके से तय हो जाते हैं। मेरे जैसी होते मैं तो ठाटा ठाटा अंदर रख दिया अलमारी में। अमूमन हमारी अलमारियाँ देखकर कोई अम्मी वगैरह तो परेशान हो जाते हैं। सेहत के हवाले से भी हम डिस्कशन करते रहते हैं और सेहत की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग और इवन डॉक्टर सब हमेशा ये कहते हैं कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छी चीज़ें जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। लेकिन समटाइम्स हम ये कहते हैं कि क्या खाना वाना खा लें, सप्लीमेंट्स लो और गुजारा कर लो। और बहुत सारी खवातीन स्पेशली डाइट पर जब जाती है तो उनकी कोशिश होती है कि खाने ना खाने पड़े, सप्लीमेंट से गुजारा हो जाए। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं किस तरह के होते हैं, सप्लीमेंट्स हैं क्या बेसिकली, हम जानेंगे। हमारे पास आज डॉक्टर होंगी, डॉक्टर फरवाद जावेद जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, और उसके साथ साथ हम उनसे जानेंगे और सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं डॉक्टर फरवा? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। और मिला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर फरवा। हम आपने खुद बड़ी अच्छी बातें हमें बता दी हैं इतनी देर देसी घी के फायदे। मुझे भी आज बड़ी हैरानगी हुई सुन के। नॉर्मली हमारे यही मिथ है या कॉन्सेप्ट है कि देसी घी मोटा करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फरवा, हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्स होते क्या है, हम पहले इसको डिफाइन कर लें। सप्लीमेंट्स कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने डाइट के साथ आप लेते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि विटामिन्स हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो किसी भी शेप में, आज जैसे किसी भी कैप्सूल की फॉर्म में आ सकती हैं, आजकल जेल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ये कोई भी कि आप अपनी एनर्जी एनहेंस करने के लिए। सिंस आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि हमारी डाइट सब पहले की तरह की तो रही नहीं है, देसी घी वगैरह, देसी खाने, इवन देसी खालिस चीज है ही नहीं, दूध नहीं मिलता खालिस, अंडे वो नहीं है, ऐसे ब्रॉयलर मुर्गियां हम खाते हैं। एग्जैक्टली। तो चूंकि इतनी आपकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं होती ऐसे खानों से, जंक फूड का बहुत इस्तेमाल है, यंगस्टर्स में बहुत इस चीज का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से ये जो है शॉर्टकट लेते हैं कि जी चलो डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लें। ठीक है, तो ये एक देखें, हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान आते हैं, इनके बहुत से फायदे भी हैं। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत एसेंशियल हैं, जैसे कि ख्वातीनों में हो जाती है आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, डाइट हमारी अच्छी नहीं होती, आयरन की कमी हो जाती है, ऐसे में आयरन सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। प्रेग्नेंट ख्वातीनें होती हैं, उनको फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत है, तो ऐसे में एसेंशियल है ये चीजें लेना। लेकिन मसला तब यह होता है जब खुद से इंसान और इन ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। एग्जैक्टली, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज का नहीं ख्याल किया जाता कि हर चीज की एक्सेस अच्छी नहीं है। ठीक है, एक लिमिट में एक चीज ली जाए तो वो अच्छी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन ही आप ले लेते हैं, ज्यादा आयरन के भी नुकसान आते हैं, कम आयरन के जहाँ पे नुकसान है, कैल्शियम का बहुत मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल, हड्डियों में दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, कैल्शियम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हालांकि कैल्शियम की एक्सेस भी वही काम करती है, वो भी जोड़ों में दर्द करती है, ये किसी को पता नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि काफी लोग बाकी मेडिसिन साथ ले रहे होते हैं। ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट्स के बहुत से इंटरेक्शन होते हैं नॉर्मल दवाइयों के साथ, ये किसी को नहीं पता होता। तो इसमें इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीज ले, एक तो आप मुनासिब मिकदार में लें, फिर आप किसी नॉलेज के मशवरे से लें। एग्जैक्टली, हाँ, खुद से ना, आप अपने खुद से ना। और बेसिकली जो चीज है वो ये है कि बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल ही बहुत चेंज, एक जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है हमारी जिंदगियों में, वेस्टर्न उसको कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो हमारी डाइट, मतलब कि एवरीवन इज इन अ हरी, किसी के पास टाइम नहीं है, सही तरह खाने का टाइम नहीं है, सही तरह एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो ये जो शॉर्टकट्स इसी वजह से ये सब ने ले लिए। अच्छा डॉक्टर फावा, अभी हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो आपने बताया दो तरह के सप्लीमेंट्स। बिल्कुल। वो कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा, मैं ये देखिए कि विटामिन्स और प्रोटीन्स हो सकते, विटामिन्स और मिनरल्स हो सकते हैं, और डिफरेंट प्रोटीन असेंबली जो एनर्जी देती है। तीसरी चीज आजकल जो बहुत यंगस्टर्स में रुझान आ गया है वो एनर्जी ड्रिंक्स का आ गया, बहुत ज्यादा। तो एनर्जी ड्रिंक्स चूंकि दे डू वर्क, यानी कि जब आप लेते हैं आपकी एनर्जी बूस्ट आता है उसमें,
तो इस वजह से ये इसका एक इस्तेमाल, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी तेज हो गई है, उसमें भाग दौड़ में चलो थक गए हैं, काम पूरी रात को काम करना है, जैसा हम थे, हमने पढ़ाई करनी होती थी पूरी पूरी रात, लेकिन हम तो चाय पे गुजारा कर लेते, चाय से गुजारा नहीं होता ना अब तो उसके बाद वो फिर डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है। खैर मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ। हमारे यहाँ बड़ा मेडिकल कॉलेज में आधे लोग तो पास ही उनकी वजह से हुए हैं एनर्जी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से, हाँ। तो उसके जहाँ फायदे हैं कि ठीक है एनर्जी बूस्ट मिलती है, उधर नुकसानात भी बहुत हैं। ये चीज लोग रियलाइज नहीं करते कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये बहुत ज्यादा इसमें लिक्विड कैलोरीज जिसको कहते हैं, कि बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। आजकल एक जो एपिडेमिक आ चुकी है वो आ चुकी है ओबेसिटी की, यानी कि मोटापा। और पहले तो था कि जी मोटापा हो गया तो चलो ठीक है दिख बुरे रहे, अब तो मोटापा हर बीमारी की जड़ इंटरनली आपको इतना डैमेज, बिल्कुल मैदे से लेके दिल से लेके जिगर से लेकर कैंसर, हर किस्म की चीज जो है मोटापा कॉज कर सकती है, ठीक हो गया। तो इसमें चूंकि कैलोरीज, इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज होती है कैफीन, कैफीन जो कि आपको एनर्जी बूस्ट, जो कि कॉफी वगैरह, एक लिमिटेड अमाउंट में तो हर चीज ठीक है, ज्यादा अमाउंट में अगर यही कैफीन इंसान ले तो डिफरेंट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, एंजाइटी के मसले होते हैं, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, यानी कि फिर नींद के मसले आ जाते हैं, फिर नींद के मसले होते हैं तो लोग नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें इंसान पड़ जाता है। मेरा तो मशवरा यही होगा कि अगर आप, जैसे शुरू में आपने मेंशन किया, आपने बड़ा अच्छा ओपन किया, कि अगर आप अपनी डाइट से ये सारे न्यूट्रिएंट्स और डाइट से ये सारे सप्लीमेंट्स ले लें तो आपको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो एक चीज नेचुरल है, नेचुरल उसके कंजम्पशन है, अगर उसको हम आर्टिफिशियली लें तो कुछ ना कुछ नुकसान तो आएगा। बिल्कुल, तो वही क्या है कि अपनी यही सारी चीजें अगर हम अपनी डाइट से पूरी कर लें तो हम ये सारी चीजों से बच सकेंगे। और फिर दूसरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो है, जब भी कोई एक फॉर एग्जांपल एक ड्रग एक मार्केट में आती है तो एक बहुत ही इंटेंस रेगुलेटरी प्रोसेस से गुजरती है। डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी अथॉरिटी है, जैसा अमेरिका में FDA कहते हैं, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक वो उसको अप्रूव नहीं करती वो मार्केट में नहीं आ सकती। और अप्रूव करने का मतलब है कि बेतहाशा ट्रायल्स होती हैं, पहले वो एनिमल्स पे टेस्ट करती हैं, फिर वो इंसानों पे टेस्ट करती हैं, फिर उनके साइड इफेक्ट्स देखती हैं, फिर वो मार्केट में आती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरवा, बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने इतनी अच्छी टिप्स। जनाब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो नेचुरल चीजें उसको अल्टरनेट ना ढूंढने की कोशिश की जाए, बल्कि नेचुरल चीजों पर ही सर्वाइव किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उनको कंज्यूम करें ताकि आपको इन सप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े। हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे आप डॉक्टर फरवा ने कहा कि अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। और जनाब ये तो था हमारा आज का मैसेज, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।